हर साल श्रावण मास के आखिरी शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की वर लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। वर लक्ष्मी देवी का अवतार दूधिया महासागर से हुआ था, जिसे क्षीर सागर नाम से जाना जाता है। वर लक्ष्मी का रंग दूधिया महासागर के रंग के रूप में वर्णित किया जाता है और वे इस रूप में रंगीन कपड़ों में सजी होती हैं। माना जाता है कि वर लक्ष्मी का रूप वरदान देने वाला है और वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस व्रत को रखने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है और साथ ही परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है। कहते हैं जो भी इंसान इस दिन वर लक्ष्मी की पूजा करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वर लक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त व पूजन विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी पर। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को माता वर लक्ष्मी की पूजा के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं। जिन लोगों को सुबह पूजा करनी है वे 12 अगस्त सुबह 6:14 से सुबह 8:32 के मध्य कर सकते हैं। दोपहर में वरलक्ष्मी पूजा का शुभ समय 1:07 से 3:26 तक रहेगा। इसके बाद शाम को वरलक्ष्मी की पूजा का शुभ समय 7:12 से 8:40 तक रहेगा। रात्रि प्रहर की पूजा का शुभ समय 11:40 से लेकर 1:35 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत शादीशुदा जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करता है। नारित्व का व्रत होने के कारण सुहागन स्त्रियां बड़े ही उत्साह से ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। वर लक्ष्मी व्रत को रखने से अष्टलक्ष्मी पूजन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी के साथ पति इस व्रत को रख ले तो कई गुना इसका फल जो है बढ़ जाता है। अगर आप इस व्रत को विधि पूर्वक रखते हैं तो आपके ऊपर से गरीबी का साया हमेशा के लिए दूर चला जाता है। अगर आप पहली बार वर लक्ष्मी व्रत रखने जा रहे हैं तो इसकी खास और अहम बातें आपको बताते हैं। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा कर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा रखें। इसके बाद कुमकुम, चंदन, इत्र, धूप, वस्त्र, कलावा, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान गणेश के सामने घी और माता के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद गणपति का नाम लें और उनके मंत्र का जाप करें। फिर माँ वरलक्ष्मी की पूजा शुरू करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र का कमल गट्टे या स्फटिक की माला से जाप करें। वरलक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें, सुने और आरती करें और अंत में माता वरलक्ष्मी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।